काटी जाए बेरोजगारी पैदा करने वाली, नौकरियां छीनने वाली नीतियों के खिलाफ। पिछले दो दिन से देश में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कराया गया मुद्दा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। दो दिन से देश भर के नौजवान मोदी जी रोजगार दो के साथ अपनी अपनी समस्याएं देश की सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा ट्वीट रोजगार के मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों के नौजवान कर चुके। ये वो नौजवान है जिनके पास डिग्री है, योग्यता है, लेकिन नौकरी नहीं होती है। क्या नेता बनना आसान हो गया और सरकारी नौकरी पाना मुश्किल? आज ही गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजे आए, बीजेपी को 6 में से 6 महानगर पालिकाओं में बहुमत मिला। अब ये जीते नेता फौरन शपथ भी ले लेंगे और काम भी शुरू कर देंगे, लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं होता। नेताओं की चुनावी प्रक्रिया और नौकरी की भर्ती प्रक्रिया की एक तुलना देखिए। नेता किसी चुनाव में उतरते हैं तो नामांकन की तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में नौकरी कब निकलेगी पता नहीं होता। इसके बाद नेताओं को चुनने के लिए वोट किस दिन होगा तय रहता है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन निकला तो परीक्षा भी होगी इसकी गारंटी तक नहीं होती। चुनावी नतीजा कब आएगा इसकी तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती परीक्षा के नतीजे महीनों कई बार वर्षों तक लटके रह जाते हैं। इलेक्शन का नतीजा आता है तो नेताजी शपथ किस दिन लेंगे इसकी भी तारीख तय रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी का नतीजा भी निकल गया तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा ये भगवान भरोसे रहता है। चुनाव में कोई विवाद हुआ तो अदालत से फैसला भी हाथों हाथ होता, लेकिन किसी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा में मामला अदालत में गया तो वहां से फैसले की तारीख भी कब आएगी कुछ तय नहीं होता।